हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी ऋतुरी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, बचपन से हम बुक्स में यही पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी गोल है, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी की शेप इक्वेटर से फैली हुई है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से देखा जाए तो अर्थ की शेप थोड़ी फ्लैट है, जिसे हम गोल ना कहकर थोड़ा ओवल शेप का कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो इसे रोटेशन कहा जाता है। अर्थ को रोटेट करने की वजह से उसकी शेप इक्वेटर से 0.3% फैली हुई होती है। अर्थ की विथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक 12,714 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटर से 12,756 किलोमीटर है। इनके बीच का डिफरेंस लगभग 42 किलोमीटर है, जो कि स्पेस से देखने पर बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी स्पेस से देखने पर बिल्कुल ओवल शेप में दिखाई देती है। स्पेस से जब पृथ्वी को पहली बार देखा गया तो पाया गया कि हमारा ग्रह नीला है। रिसर्च करने पर पता चला कि धरती का 72% हिस्सा पानी है, जिसकी वजह से पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती पर 72% पानी है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए ही होगा। असल में बात यह है कि धरती पर 72% पानी में से 97% पानी खारा है, जिसे यूज़ नहीं किया जा सकता, और सिर्फ 3% वाटर ही हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बर्फ, ग्लेशियर, तालाब और नदियों में है। चांद को पृथ्वी का इकलौता साथी माना जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जबकि साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया है कि चांद के अलावा दो को ऑर्बिटल एस्ट्रॉयड भी पृथ्वी के करीब घूमते हैं, जिन्हें 3753 क्रूथिन और 2002 AA29 कहा जाता है। 3753 क्रूथिन को 1986 में खोजा गया था। इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जितना ही समय लगता है, इसलिए कहा जाता है कि यह पृथ्वी का पीछा कर रहा है। इसे अर्थ का दूसरा चांद भी कहा जाता है। ये शेप में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे हम आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी ओर 2002 AA29 एक ऐसे एस्ट्रॉइड है जो पृथ्वी के साथ साल में एक बार सूरज का चक्कर लगाता है। पृथ्वी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिस्ट्री से भरी हुई है। ऐसा ही एक फैक्ट है कि दुनिया की सबसे सूखी जगह नॉर्थ चिली का एटेकामा डेजर्ट है। ये धरती के सबसे बड़े और गहरे विशाल महासागर के पास लोकेट करता है। ये रेगिस्तान करीब 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे सबसे सूखी जमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एटेकामा में कई दशकों से बारिश नहीं हुई है। इसी कारण यहाँ पर फूल, पत्ते, जीव, इंसान भी ना के बराबर ही पाए जाते हैं। एटेकामा का एटमॉस्फेयर किसी लाइफ के ओरिजिन के लिए सही नहीं बनाता। इसी वजह से नासा के साइंटिस्ट के लिए ये जगह रिसर्च का सब्जेक्ट बना हुआ है। कहते हैं कि एटेकामा की सिचुएशन मंगल ग्रह की तरह है, जो साइंटिस्ट को मंगल से जुड़े रिसर्च करने में हेल्प करती है। हमेशा से हम बुक्स में यही पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी को अपनी एक्सेस में घूमने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, जिससे हमें एक दिन मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में पृथ्वी अपना एक रोटेशन 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। वहीं पृथ्वी को सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए 365.25 दिन लगते हैं। एक दिन का स्पेयर क्वार्टर हमारे कैलेंडर सिस्टम में एक चैलेंज होता है, जो एक साल के रूप में 365 दिन का होता है। इसलिए अपने कैलेंडर को सूर्य की स्पीड की तरह रखने के लिए हर 4 साल में हम एक दिन जोड़ते हैं। उस एक दिन को लीप डे कहा जाता है और उस साल को लीप ईयर। पृथ्वी अपने ऑर्बिट से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये झुकाव मौसम बदलने का कारण बनता है। इसी झुकाव की वजह से साल के कुछ समय सूर्य नॉर्थ हेमिस्फेयर की ओर झुका हुआ होता है, जबकि साउथ हेमिस्फेयर दूर होता है। जब सूर्य ऊंचाई पर होता है तो नॉर्थ एरिया में गर्मी और साउथ एरिया में सर्दी होती है। 6 मंथ्स बाद सिचुएशन उल्टी हो जाती है। वहीं जब बसंत और ऑटम शुरू हो जाते हैं तो दोनों हेमिस्फेयर सूरज से लगभग बराबर गर्मी पाते हैं, इसलिए मौसम न ठंडा होता है और न गर्म होता है। सो दोस्तों, ये है इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स अर्थ के बारे में। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।